नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट शनिवार को अपनी फिल्म रॉकी रानी की प्रमोशन के लिए कानपुर पहुंचे। आलिया ने कानपुर को भोकाली शहर बताया, कहा कि यूपी वाले भी चौकस हैं, कानपुर वाले भी चौकस हैं, भोकाल मचा दिए हैं, गर्दा उठा दिए। आलिया ने रणवीर से पूछा कि कंटाप क्या होता है। जवाब में रणवीर ने कहा, जो कान के नीचे लगाते हैं। इस पर आलिया ने कहा, अच्छा स्लैप। आलिया रणवीर ने होटल लैंडमार्क में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कानपुर के कई शब्दों को लेकर खूब मिमिक्री की। कानपुर में रणवीर आलिया की लाजवाब बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों शहर के रंग में डूबे नजर आए। फैंस ने रणवीर से पूछा कि दीपिका पादुकोण कानपुर कब लेकर आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, आपकी भाभी दीपिका को जल्द ही कानपुर लाएंगे और ठग्गू के लड्डू भी खिलाएंगे। रणवीर सिंह ने कहा, अब जमाना बदल गया है, लोग ये नहीं पूछते कि पिक्चर कैसी लगी, अब ये पूछते कि कितना कमाया। रणवीर ने आलिया से भी पूछा कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होने के बाद आप क्या करेंगी। जवाब में आलिया ने कहा, फ्राइडे को 12 बजे सोकर उठूंगी और इसके बाद फिल्म का कलेक्शन क्या हुआ ये पूछूंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।